ऐसे नहीं चलेगा। मगर क्यों? बल्कि अगर पाकिस्तान ने एटमी हथियार चला दिया तो भारत में कहीं पे घास नहीं उगेगी, ना मंदिरों में घंटियां बजेंगी। तो भारत में कहीं पे घास नहीं उगेगी, ना मंदिरों में घंटियां बजेंगी। कंट्रोल कंट्रोल। तो भारत में कहीं पे घास नहीं उगेगी, ना मंदिरों में घंटियां बजेंगी। तो हमारे पास क्या है भाई, ये दिवाली के लिए रखा है क्या? हम ऐसे नहीं चलेगा। नरेंद्र मोदी, उसका भी हाल यही कि उसकी जो अक्ल है ना, वो टेढ़ी ही रही, जो लाख कोशिशों के बावजूद सीधी नहीं हो सकती। दुनिया में हर काम मुमकिन हो सकता है, लेकिन जो अब तक नामुमकिन तरीन काम रहा वो है मोदी की दुम को सीधा करना। दुम कुत्तों की होती है और कुत्ता है पाकिस्तान। यकीन नहीं आते तो अपने देश का नक्शा उठा के देख लो। पाकिस्तानी इस वीडियो को क्यों ना देखें तो भाई आप देख लीजिए, यहाँ क्यों ना देखें, क्योंकि हम आज चर्चा करने वाले हैं इसकी, और इसका नक्शा किससे मैच करता है आप देख रहे हैं। इफ यू डोंट बिलीव देन गो ऑन गूगल। भाई किससे मैच करता है तो आपको समझ में आ गया भाई, बुरा नहीं मानिएगा। म्यूजिक मोदी हर तरफ अपनी टांग अड़ाता है, आपको पता उसकी आदत है। हर मामले में टांग अड़ाना मोदी की आदत है, हर मामले में दखल देना उसकी आदत है, लेकिन हर बार जिल्लत उठाना भी उसका मुकद्दर है। अब भारत के शर से पाकिस्तान महफूज नहीं रहा, आपको पता है, हमेशा ये कोशिश करता रहा कि पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करे। डॉक्टर फिजा खलीफा जी, पाकिस्तान हमेशा भारत से महफूज रहा है, बस भारत ही पाकिस्तान से कभी महफूज नहीं रहा। ये 70 साल से जो असुरक्षा की भावना हम भारतीयों के अंदर है वो हम जानते हैं। कितना डरते हैं हम पाकिस्तान के नाम से। पाकिस्तान का नंबर का फोन आ जाता ना तो लोग उठाते ही नहीं है, जाके कंप्लेंट करा देते हैं कि पता नहीं क्या लफड़ा रहेगा। तो दोस्तों, ये पाकिस्तानी एक रिपोर्टर है, ये भारत के खिलाफ हमेशा चेहर उगलती रहती है, और इसको टेंडर मिला हुआ, इसको पैसा इसी चीज़ का मिलता है कि भारत मोदी के खिलाफ किसी भी तरीके से अपने प्रोपेगेंडा चलाए, प्रोपेगेंडा फैलाए, झूठ फैलाए, भ्रम फैलाए, लड़ाई कराए, झगड़े कराए, भारत में शांति फैलाए, और ये इसी बात में इसी काम में लगी रहती है। इसीलिए तुम और तुम्हारा मोदी थोड़े से पानी में ना डूब कर मर जाओ तो बेहतर हो। मजा नहीं आ रहा है। हम करते हैं प्रबंध। तो 2-3 दिन बड़ी शांत थी और आज फिर अचानक से ये फड़फड़ाई है, बहुत गर्म हुई है, और इसका एक ही निशाना होता है मोदी भारत आरएसएस बस। कभी कभी अमित शाह, अजीत डोवाल और बीसीसीआई भी इसके निशाने में आ जाते हैं। अबे साले। लेकिन भला हो मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब का, जिन्होंने भारत को पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी जंग से हमेशा बाज रखा। छोटी मोटी साजिशें करता रहता है, छोटा मोटा शर फैला के बड़ा खुश होता है, महजूज होता है, लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है क्योंकि बड़ी साजिश पाकिस्तान के खिलाफ नहीं कर सका, और जब इसने करने की कोशिश की तो इस नरेंद्र मोदी ने मुंह की खाई। अब इन मोदी है, अगर इसका बस चलता ना तो ये अब भी पाकिस्तान से जंग छेड़ चुका होता। लेकिन अब मोदी जानते हैं कि अगर इसने पाकिस्तान से जंग का सोचा भी तो पाकिस्तान के एटमी हथियार से इसे और इसके भारत को कहीं का नहीं छोड़ेंगे। हमने तो परमाणु बम राहुल गांधी की शादी में बजाने के लिए रखा हुआ है। इस बात पे क्योंकि 64 मुट्ठों की सलामी बनती। बल्कि अगर पाकिस्तान ने एटमी हथियार चला दिया तो भारत में कहीं पे घास नहीं उगेगी, ना मंदिरों में घंटियां बजेंगी, ना मंदिरों में घंटियां बजेंगी, ना मंदिरों में घंटियां बजेंगी। बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान दुनिया से रुखसत हो गए। आई एम सॉरी बाबू। दुश्मन चाहते हुए भी पाकिस्तान के साथ जंग करने से डरता है। आज पाकिस्तान एटमी ताकत है जिसकी वजह से दुश्मन मुल्क पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देख नहीं सकता। और तारीख कब आए? अरनब टिड्डे के बिरयानी खाने वाले टिड्डी दे। ए टिड्डी खाने वाले मेरे से ठीक से बात करो। टिड्डी शोरबा, मटका टिड्डी और कढ़ाई टिड्डी क्यों बेच रही है? टिड्डी खाने वाले पाकिस्तानी जहाँ पे कढ़ाई टिड्डी बना के। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब ने बगैर वसाइल और मगरबी दुनिया की मदद के एचमी प्लांट लगाकर दुनिया को हैरान किया। दुनिया तो हैरान हो गए ना कि चोरी की टेक्नोलॉजी से तुमने परमाणु बम बना लिया, कितने बड़े चोर हो यार तुम। और दुनिया की हैरत में मजीद इजाफा उस वक्त हुआ जब 1998 में बलूचिस्तान के शहर चागी में
कामयाब एटमी तजरबात किए गए। अच्छा डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब हकीकी मायनों में पाकिस्तान के मुहाफिज थे, भारत के पाकिस्तान पर मुमकिन हमले को रोकने की ऐसी पेशबंदी कर गए कि उनका ये एहसान कभी भुलाया नहीं जा सकता। आज तो मेट में मुगल बन भी गए तो क्या पूरी दुनिया के सामने तो कटोरा लेके खड़े रहते थे कि हमारी आवाम घास की रोटी खा लेगी लेकिन परमाणु बम जरूर बनाएगी। तो आज तुम्हारी आवाम घास की रोटी खा रही है, देख लो। और अब महंगाई ने कह लें कि तमाम अगले पिछले जो रिकॉर्ड है ना वो तोड़ के रख दिए। बहुत महंगाई है, हमारा घर चलाना मुश्किल है। तो आटा जानवर नहीं खाते हैं, जिंदा रहेंगे तो देंगे ना, ये जीने देगा। अच्छा नाज़रीन, हर चीज की जो कीमत है उसको आग लगी हुई, इसी को कहते हैं ना आग लगना कीमत को। जब कीमत को आग लग जाए तो फिर आवाम क्या करेगी? तौबा तौबा ना करे तो क्या करे? एक रुपए का ऊपर 10 गुना प्राइस बढ़ रहे हैं। महंगाई के अलावा गरीब को मारने के अलावा कुछ नहीं किया। इतनी महंगाई हो गई, गरीब आदमी रोटी पेट भर के नहीं खाता। आवाम जो बुनियादी जरूरियात से महरूम होते चले जा रहे हैं तो जाहिर बात है उस सिचुएशन में, उस हालत में कोई पॉजिटिव कैसे सोचे? नेगेटिव थॉट्स ही जहन में आती हैं, लोग नेगेटिव थॉट्स ही सोचते चले जाते हैं। ये हुकूमत इतनी फेल हो चुकी है, आवाम को बस कह रही है कि कब्रिस्तान भर लो। मड़ी मड़ी मोटी से सारी महंगी हो गई भाई। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब भारत के अजाइम से कह लें कि अच्छी तरह से, अच्छे तरीके से वाकिफ थे, इसलिए उन्होंने भारत के हर जारहाना इकदाम के लिए पूरी तैयारी कर रखी थी। डॉक्टर साहब क्या कहते हैं कि अगर भारत पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी कदम उठाता तो हम अपनी एटमी हथियारों के जरिए दिल्ली को 5 मिनट में एक बटन दबाने की सूरत में ख़त्म कर सकते थे। यानी पाकिस्तानी मिसाइलों ने भारत का निशाना ले रखा था और भारत के हमले की सूरत में पाकिस्तान सिर्फ एक बटन दबाकर दिल्ली को सफाई हस्ती से मिटा सकता। फिजा खान जी, आपका बटन दबाने के लिए बहुत सारे हिंदुस्तानी तैयार रहते हैं, कभी फुर्सत निकाल के कमेंट बॉक्स पढ़िएगा। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा लड़का ये? वो इतना बटन दबाएंगे आपका कि आप ये जो असली है ये लोडा बटन चलाने की जो धमकी दे रहे ना ये टैंटे फिश हो जाएगी। और अब भी यकीन नहीं आता तो भाई लोग आप कमेंट करके बता दो। हम ऐसे नहीं चलेगा। प्यारी समझ गई। पाकिस्तान की जगह साई कराने के चक्रों में अपनी इज्जत गवाता है। और अब क्रिकेट के बाद भारतीय जजेस ने आपको पता पाकिस्तान को यकीनी गोल्ड मेडल से बेईमानी करके महरूम कर दिया। Seriously, what the fuck are you doing? भारत की खेल के मैदान में भी पाकिस्तान के खिलाफ ये जो एक नफरत है, साजिशें हैं वो जारी हैं। अच्छा वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग चैम्पियनशिप में आपको मैं बताऊं कि पाकिस्तानी बॉडी बिल्डर्स के साथ भारत की जानिब से एक नाइंसाफी सामने आई है, जब भारतीय जजेस ने पाकिस्तान को गोल्ड मेडल से बेईमानी करके महरूम कर दिया। जजेस पैनल में मौजूद भारतीयों ने पाकिस्तान के 3 टॉप एथलीट से बेईमानी की। अच्छा, भारतीय जजेस ने पाकिस्तानी कोच इरफान असगर और रमीज इब्राहिम को साजिश के तहत टॉप 5 में जाने नहीं दिया। अब नाज़रीन, इस खबर के बाद भारत की पाकिस्तान के खिलाफ नफरत तो वाज़ेह हो गई और ये भी क्लियर हो गया कि मोदी ने अपने दारों को भी किस कदर पाकिस्तानी दुश्मनी के कामों पर लगा रखा है। अच्छा, हमको सिखा दिया है कि तड़प है ना तड़प, जो ये तड़प तड़प के भारत को, मोदी को, आरएसएस को गाली देती है, मेरा सारा पैसा यही वसूल हो जाता है। और अब भारत का हाल इस वक्त समझ लें कि बगल में छुरी, मुंह में राम राम बाल है, 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 मुंह में राम राम बाल है। क्योंकि एक तरफ ये खबर सामने आती है जी कि जी स्पीकर भारतीय लोकसभा ने चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी साहब को दौरे भारत की दावत दी, उसके बाद सादिक संजरानी साहब ने तकरीब में शिरकत से मुतालिक जो मुख्तलिफ हलके हैं उनसे मुशावरत भी शुरू कर दी है। अब एक तरफ भारत हमारे चेयरमैन सेनेट को भारत के दौरे पर बुला रहा है और दूसरी तरफ कभी हमारे खेलों पर असरअंदाज होने की कोशिश करता है, कभी मकबूजा कश्मीर में होने वाले हमलों को पाकिस्तान से जोड़ने की कोशिश करता है। तो ऐसे में भारत से खैर की उम्मीद क्या रखी जा सकती, कैसे रखी जाती? हो ही नहीं सकता, नामुमकिन, इम्पॉसिबल। अब भारत सादिक संजरानी को अपने यहाँ बुलाकर एक्चुअली करना क्या चाहते, दुनिया की आंखों में धूल झोंकना चाहते, क्योंकि मोदी ने पहले भी एक जाली यूरोपीय यूनियन का जो वफ्द है वो मकबूजा कश्मीर में भेजकर, ये आपको याद होगा, ये तासुर जमाने की कोशिश थी कि जी भारत में तो सब कुछ अच्छा है। तो ये वीडियो सीधा सीधा चलाने लायक नहीं था क्योंकि इसमें आप बोर हो जाते हो और क्योंकि उसमें काफ़ी जगह पाकिस्तान की बात कर रही थी, काफ़ी जगह इंडिया की बात कर रही थी, तो आप लोगों को समझ में नहीं आता। तो आपके भाई ने इसको पूरा सेटल किया वीडियो को, ठीक है। फिजा खान के मुंह पे एक अच्छा सा तमाचा लगने वाला कमेंट तो आप कर ही दीजिए, बिना कहे कर दिया करो कमेंट तो आप, और शेयर
करना तो लाजमी है, तो इसको भी शेयर कर ही देना। और दूसरा, आपके भाई का इंस्टाग्राम भी है, आपका भाई का ब्लॉग चैनल भी है, लिंक दोनों का डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कीजिए। ठीक है, आपका भाई ऐसा मनोरंजन, रोस्टिंग, न्यूज, वीडियो बनाता रहता है। आप लोग अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, राम राम, जय श्री राम, राम राम, जय श्री राम, राम राम।